नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी लोग उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा सही और अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वीडियो के बारे में मेनली ये वीडियो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को डेडिकेटेड है यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपके एग्ज़ाम के स्केड्यूल को रिलीज़ कर दिया यानी कि 2024 में होने वाले एग्ज़ाम जो कि शुरू के मंथ में होने वाले हैं उससे रिलेटेड एक्चुअल डेट्स आ चुके हैं कि कब वो एग्ज़ाम होंगे चाहे वो डिपार्टमेंटल वैकेंसीज़ के हों या फिर एक्चुअल एग्जाम जो होते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले नोटिफिकेशन बेसिस पर वो वाले हों या फिर डिपार्टमेंटल के हिसाब से जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं यानी कि डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो भी होते हैं यानी कि एल वाले जिसको हम बार बार एल बोलते हैं आप सुनते होंगे कई बार एल करके जो रिक्रूटमेंट आते हैं उसको हम लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोलते हैं तो तो ना कि सिर्फ़ डिपार्टमेंटल वेक डिपार्टमेंटल जॉब्स के लिए बल्कि ऑल ओवर अगर आप देखें यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे एस एस अभी 2024 में भी लेगा अभी 23 में भी कुछ एग्ज़ाम होने बाकी हैं जो कि अभी ये एंड के महीनों में चल रहे हैं उसके बाद फिर 24 में होंगे तो उसी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ पूरे इंडिया कंट्री में अब 2024 में कौन कौन से एग्ज़ाम एस एस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराने वाला है उसके रिलेटेड एग्ज़ाम का स्केड्यूल एग्जाम की डेट्स को या फिर आप कह लीजिए एग्ज़ाम के कैलेंडर को रिलीज़ करा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो पूरे भारत में कराने वाला है अब वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो लोग पहली बार सुन रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नाम उन्हें बताना चाहूंगा ये एक ऐसा कमीशन है दोस्तों जो कि आपका आप चाहे सुनते होंगे सी बी या फिर बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स इनकम टैक्स नाम सुनते होंगे दिल्ली पुलिस का नाम सुनते होंगे सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर जैसी पोस्टों के नाम जो भी आप सुनते हैं ना वो यही कमीशन रिक्रूटमेंट कराती है इस्पेशली उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग पहली बार सुन रहे हैं इस कमीशन का नाम तो आपको बता दूं ये कमीशन एक ऐसा कमीशन है जो पूरे भारत में बड़े बड़े पोस्टों पर और एक सरकारी डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट कराने का काम करती है जो रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस कराती है चाहे उसका एग्ज़ाम कराना हो या पूरा प्रोसेस जो भी फॉलो कराना हो फॉर्म भरवाने हो सब ये अपने वेबसाइट पर ही अपना प्रोवाइड करा के कराते हैं तो उसी से रिलेटेड आपको बताता हूँ यहाँ पर बारह अक्टूबर को यहाँ पर एसएससी ने यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वालों ने यहाँ पर स्केड्यूल रिलीज रिलीज़ कराया एग्ज़ाम का ये एग्ज़ाम किस चीज़ के होंगे अब वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नोटिस आपका बारह तारीख का है और इसमें जो डेट्स हैं आप देख सकते हैं अक्टूबर में रिलीज़ कर दिए हैं डेट्स जो कि जनवरी फेबररी जैसे मंथ में एग्ज़ाम हो रहे हैं तो ये क्यों इतनी जल्दी रिलीज़ करते हैं क्योंकि इनको ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट करना होता है और जिससे कि कैंडिडेट को भी एक ऐसा एक रिक्वायर्ड टाइम एक नेसेसरी टाइम मिल जाए उसको अपनी प्रिपरेशन करने के लिए इस वजह से इस चीज़ को एक समय अनुसार देखकर रिलीज़ करा जाता है तो आप अगर देखें तो यहाँ पर ये यह जो नोटिस है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम किस दिन होने वाला है यहाँ पर कुछ एग्जाम्स की डेट आए हैं एग्ज़ाम के स्केड्यूल आए हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले ये तो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा जैसा हर बार बताया जाता है दूसरा आपको वीडियो के सही नीचे इसका नोटिस प्रोवाइड कराया गया है जिससे कि आपको अलग से जाकर इसको ढूंढना ना पड़े चलिए हम चलते हैं नोटिस पर यह आपका नोटिस है देखेंगे आप बहुत छोटा सा ही नोटिस है सात ऐसे एग्जाम है जो कि जनवरी और जनवरी मंथ में जनवरी के एंड के बाद यानी कि फेबर मंथ में हो रहे हैं सारे एग्जाम यानी कि फेबररी 2024 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं कमीशन ने डिसाइड करा है कि फेबररी मंथ में वो अपने ये एग्ज़ाम करा लेगा ये सारे जॉब्स के एग्ज़ाम हैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है डिसाइड कर चुका है कि उन्होंने फेबररी में ग्रेड सी में जो स्टीनोग्राफर की जो जॉब होती है स्टीनोग्राफर आई थिंक आपको पता होगा इसके रिक्रूटमेंट काफ़ी बार नोटिफिकेशन कवर करें हैं तो इस वजह से आपको बताना चाहूँगा ग्रेड सी स्टीनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दो हज़ार 19 वाला दो हजार चौबीस के 6 को होगा ग्रेड सी में ही एल डी सी वाला जो होगा दो हजार बीस से बाईस वाले ईयर का जो ग्रेड सी का है ये भी 6 फरवरी को यानी कि 6 फरवरी को हो जाएगा दो हजार चौबीस के दिन में इसके अलावा एस एस ए की बात कर लेता हूँ या फिर यू डी सी की बात करता हूँ ये दोनों अलग अलग पोस्टें होंगी और ये दोनों ही यहाँ पर आपके आ, ये भी एल वाले हैं और ये भी दो हज़ार ईयर वाला है और ये सात फरवरी को हो रहा है सेम यही पोस्टों पर 2020 से 22 वाले ईयर वालों का यहाँ पर 2024 के सात फरवरी को होगा सेवन फरवरी को अगर बात करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि जेएसए और एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क जैसे पोस्टों पर रिक्रूटमेंट 19 बीस वाले ईयर का 8 को होगा 21 बास बाईस वाले ईयर वालों का भी 8 फरवरी को ही होगा सेंट्रल सेक्रेट्रेट असिस्टेंट का जो एलडीसी में हो रहा है ये आपका 12 फरवरी को होगा ट्वेल्थ फेबररी को एग्जाम होगा बात करें तो छः से बारह यानी पूरा एक हफ्ते में पूरा एग्जाम सारे हो जाएंगे सारे आपके जो कि एल के सारे रिक्रूटमेंट हैं ये सारे एल के हैं तो आप देख सकते हैं ये होंगे और ये आकर आप माने ये एक फ़ाइनल डेट्स हैं अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो ये आपके न्यू ईयर में यानी कि जनवरी के मंथ में इससे इससे पहले कोई अपडेट आएगा नहीं इस डेट्स को रिलेटेड पहले इससे आना कोई संभव ही नहीं है क्योंकि आपका फेबररी एग्ज़ाम बोला है तो जनवरी के मंथ में ये लोग अपडेट दे, दे देंगे आपको कि एग्ज़ाम में कोई चेंज हो रहा है या नहीं तो आप समझ जाएंगे इस नोटिस को ये नोटिस अगर मैं बताऊँ तो ये उनतीस सितंबर को ही बना लिया गया था लेकिन अगर आप देखें तो इसको पूरे के पूरे दो हफ्ते बाद रिलीज करा है ऐसे सीन है जो कि 12 अक्टूबर को अपने वेबसाइट पर रिलीज कर रहे हैं आप देख सकते हैं कितना लेट करा इन्होंने यानी कि उनतीस सितंबर के बाद ये सीधा चौदह दिन बाद डाल रहे हैं अपने साइट पर इस चीज़ को लेकिन कुल मिलाकर डाल तो दिया ही गया है तो यही आपका अपडेट है यानी आपके सात एग्जाम डायरेक्ट एलडीसी वाले जो रहेंगे वो उनके मैंने डेट्स बता दिए आप प्रिपेयर रहें इन एग्जाम्स के लिए ये एग्जाम इन्हीं दिन होने वाले हैं और जो आपका कंडक्टिंग बॉडी है वो एसएससी रहने वाला है तो आपको सारा कुछ क्लियर हो गया है मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में तब तक, तक के लिए आप सभी का धन्यवाद